फिफा विश्वकप टाइटल पर चली लड़ाई फाइनाल रे मुहांमुही होती आर्जेंटीना और फ्रांस आर्जेंटीना 2-0 गोल रे आगुआ रही आर्जेंटीना पाई प्रथम गोल स्कोर करते अधिनायक लियोनेल मेसी खेल आरंभ उभय दल दमदार प्रदर्शन करते तेरे 22 मिनिट रे आर्जेंटीना को मिली पेनाल्टी आउ गोल रे परिणत करते मेसी मेसी गोल देता बेले रोकवे फेल मारी गोलकीपर लोरिस से भली द्वितीय गोल देती आर्जेंटीना डी मारिया 36वें मिनिट रे द्वितीय गोल देवे सफल होते 19 मिनिट रे फ्रांस पाई फ्री किक रो गोल पाई सुजोग मिलिथिले मध्ये याकु दल हाथ छड़ा करथिला गोल पोस्ट उपरे बॉल क्रॉस करथिला गोल दबा पाई फ्रांस लढ़ई जारी रखिछि कतार रो लुसेल स्टेडियम रे खचाखच भिड़ भितरे मैच रो मजा लेउछंती दर्शक कीव उपरे रूसिया सेनार आक्रमण को गोटिए दिन जाइनी मॉस्को अधिकृत बकमुत उपरे अटैक करिछि युक्रेन रूसिया सेना शिविर उपरे जोरदार आक्रमण करिछंती कीव सेना एपटे वरिष्ठ अधिकारी सहित वार रूम रे आलोचना करिछंती प्रेसिडेंट पुटिन किभली आक्रमण को जोरदार करा जाई पारिबो सेने होइछि आलोचना एपटे युद्ध क्षेत्र में 10 मास 10,000 रूसिय सैन्य मृत्यु होइथिबा अंतर्जातीय गणमाध्यम रे चर्चा होउछि हेले एहि संख्या आहुरी अधिक बोली दाबी करिछंती पाश्चात्य देश युद्ध प्राण हर 10,000 रूसीय सेना संख्या बढ़िया नहीं पश्चिम देशर अनुमान बकमुत रे युक्रेन सेनार आक्रमण वार रूम रे अधिकारी पुतिन को आलोचना सोमवार बेलारूस जिबे रूसिया राष्ट्रपति युद्ध युक्रेन छारखार हो जाइथिबा बेले रूसियार मध्य अनेक क्षयक्षति होइछि 10,000 रूसीय सैन्य मृत्यु होता बीबीसी रूसियन सर्विस एवं स्वाधीन मीडिया आउटलेटर डाटाबेस पक्षर स्पष्ट करा 10 मास 10,000 मस्को सेना प्राण रही हेले एही संख्या आहुरी अधिक हो पारे बोली अनुमान करिछि बीबीसी रूसियन सर्विस एमानक मध्यरे अनेक वरिष्ठ अधिकारी मध्य अछन्ति तेबे रूस सेनार कहिबा कथा युद्ध 5,937 सैन्य प्राण रही हेले पश्चिम देशर दाबी होची एही संख्या प्राय 1,00,000 होई पारे युद्ध रे जेउ 10,000 रु अधिक सैन्य प्राण हरैछंती अनेक समय रे रूसिय सैनिक मृत्यु को नहीं अलग अलग तथ्य सामना को आसुछि युद्ध क्षेत्र रे रूसिय सैनिकों संख्या ह्रास पाउथवा जणा पडिछि एथि पई 2023 आरंभ रु सेना रे भर्ती पई योजना करछंती पुतिन सरकार वा रिपोर्ट आसीछि जोटा कि सोशल मीडिया हिट्स कि मैप करि कहउछि जे 10,002 रशियन डेथ दैट कैन बी प्रोबेबल सेटा सत्य हो पारे किंतु आउ जो आउ कोनोसी क्लेम क्रेडिबल मने हो तनो रशियन डेथ सो डेफिनेटली अछि समान को धारणा नथिला जे जेलेनस्की को फोर्स बा यूक्रेन लो फोर्स माने एरकम चैलेंज करिवे सोवियत रशिया रो जहां आकलन थिला ताहाटरु बहु गुण रे अधिक तांकर सैन्य एवं तांकर संजुआ गाड़ी तांकर टैंक एवं अन्यन्य आर्टिलरी सब नष्ट होई छि 10 मास धरी चलता रूसिया युक्रेन युद्ध एवं भयंकर रूप नेबार जाउछि कीव उपरे रूसिया सेनार आक्रमण पर रूसिय अधिकृत बकमुत उपरे अटैक करछंती युक्रेन सेना आंटी टैंक गन जरिया रे रूसियार सेना शिविर उपरे जोरदार आक्रमण करछंती कीव सेना एई आक्रमण पर जेलेंस्की पुतिन को चैलेंज करबा सह कोनोसी परिस्थिति रे युक्रेन पछकु हटिबो नाही बोली मेसेज दैछंती गत शुक्रवार कीव सहर उपरे लगातार 70 थर मिसाइल माड़ करथिले मस्को सेना जहार जवाब देछि युक्रेन एहारे मध्यरे वरिष्ठ अधिकारी आलोचना करिछंती प्रेसिडेंट पुतिन स्वतंत्र मिलिटरी ऑपरेशन पई वरिष्ठ अधिकारी पुतिन रणनीति करथिबा क्रेमलिन पक्षरु कहा जाइछि बैठक रे रूसियार प्रतिरक्षा मंत्री सर्गेय सुगेई और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भालेरी गेरासिमोव उपस्थित थिले समस्तक स वन टू वन आलोचना करबा स किभले युक्रेन को मात दे हेबो और युद्धर रणनीति ने आलोचना करा जायछि यहारे मध्य रे सामना को आसीछि प्रतिरक्षा मंत्री सुगई को एक वीडियो से सेनार अधिकारी को स हेलीकॉप्टर रे युद्ध स्थितिर निरीक्षण करथुबा देखिबा को मिलछि एतिस अधिकारी को स आलोचना भी करूछंती सर्गेय सुगई युद्ध भितरे सामना को आसीछि युक्रेन सेनार वीडियो बड़ पहाड़ घेरा अंचल रे कीव सेना मस्को सेना उपरे फायरिंग करछंती एतिस किबळी शत्रु देशर मुकाबला करियबो
से युद्ध क्षेत्र में आलोचना करछंती जेलेंस्की जोधा। यूरोपियन कंट्रीज मैंने धीरे धीरे एनर्जी क्राइसिस को प्लंग कले सबको आखि आगे रखिले गोटे नुआ वर्ल्ड एमर्ज करने पुतिन प्लान जो अच्छी डॉलर डोमिनेंस को कमेवाई पुतिन जो प्लान अच्छी से सक्सेस हो चेष्टा करेंगे एटलिस्ट आउ 3-4-5 मंथ्स बा 6 मंथ्स पर्यंत वार बंद होवार कोनो संभावना ना। युद्ध रणनीति को जोरदार कर रुषिया पुतिन सोमवार बेलारूस जीवा नहीं क्रेमलिन पक्षर सूचना दि जाएगी। पुतिन को गस्त पूर्व आक्शन को आसी बेलारूस पोलांड सीमार बेलारूस टैंक मुतयन कर बेलारूस हो प्रथम देश जे कि युद्ध आरंभ रुषिया साथ दे ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। भारतीय नौसेनारे सामिल होइछि आईएनएस मुर्मुगाओ मुंबईर नाभाल यार्डे सामिल कराइछंती प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित यह युद्धपोत सबु समय शत्रु देशर मुकाबला करने तैयार हो रही एथिरे आंटी मिजाइल गन सिस्टम रही मिजाइल और रकेट लंचर युद्धपोत सामिल होगापर सेनार शक्ति बढ़ प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना मुख्य आडमिराल आर हरिकुमार। समुद्र रे बढ़िला भारत शक्ति दम देखाइबो आईएनएस मुर्मुगा समुद्र रे बाहुबली चीन पै सतर्क घटी हिंद महासागर में बढ़ला भारतीय नौसेनार शक्ति नौसेनार सामिल होइछि आईएनएस मुर्मुगा बहु प्रतीक्षित यह युद्धपोत को रविवार नौसेनार सामिल कराइछंती प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एक स्वतंत्र समारोह में मुंबई स्थित नाभाल यार्ड में यह सामिल कर भारत महासागर में चीन को चैलेंज देवा सह भारतीय नौसेनार शक्ति वृद्धि कर समस्त प्रकार आणविक रासायनिक जैविक क्षेत्र में यह युद्धपोत व्यवहार हो पार नौसेना रे शामिल होइतिबा गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर मुर्मुगा स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित होइछि एतरे मिसाइल सिस्टम सह रहिछि आंटी एयर और आंटी सबमरीन शक्ति नौसेना रे मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर युद्धपोत शामिल हेबा परे भारतीय सेनार शक्ति बढ़िछि। आईएनएस मुर्मुगा स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित एक उदाहरण भारत में निर्मित वॉरशिप मध्यरु एहा एक शक्तिशाली युद्धपोत बोली प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहिछन्ती। आईएनएस मुर्मुगा भारतीय सेनार मनोबल बढ़ाइब और शत्रु देश को मुहतोड़ जवाब देव बोली प्रतिरक्षा मंत्री। साथियों एक पोर्ट के रूप में भी मुर्मुगांव ने भारत के मैरिटाइम ट्रेड की ग्रोथ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी यह देश सबसे पुराने और बड़े पोर्ट्स में से एक है। आज जब भी MDSL द्वारा निर्मित INS मुर्मुगांव की सफलतापूर्वक कमिश्निंग हो रही है तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। P-15 ब्रेवर क्लास रो जहाज हेउची मुर्मुगांव यह भारत में निर्मित शक्तिशाली युद्धपोत मध्यरु स्वतंत्र अटे यह जेकोणसी ऑपरेशन पाई तैयार हो रही यार लंब 163 मीटर चौड़ा 70 मीटर एवं ओजन हेउची 7400 टन एथिरे चारोटी शक्तिशाली गैस सर्वाइन रही युद्धपोतर खासियत हेउची यह 70 किलोमीटर उच्चरे उड़ुथुबा विमान को टार्गेट करिपरिबो सेइबोली समुद्र रे 300 किलोमीटर दूर लक्ष्य भेदि पारिबो समुद्र रे घंटा प्रति 48 किलोमीटर बेगरे गति करिपरिबो खराब पानीपागरे मध्य एहा जलराशि रे लैंडिंग करिपरिबो एहाकु 127 मिलीमीटर गन रे लेस करा जाइछि सेइबोली एथिरे एके 630 आंटी मिसाइल गन सिस्टम रहिछि। आईएनएस मुर्मुगा आसिबा फलरे समुद्र सीमारे भारतर शक्ति बढ़िबो बोली कहिछन्ति नौसेना मुख्य आडमिराल आर हरिकुमार। द हिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस वॉरशिप बिल्डिंग एज वी कमीशन द डिस्ट्रॉयर मुर्मुगा पर्टिकुलरली व्हेन अ सिस्टर शिप विशाखापट्टनम वाज इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी इन जस्ट ओवर अ ईयर अगो दिस अचीवमेंट is indicative of the large strides we have taken
in warship design and building capability over the last decade. The Navy has a tradition of naming ships after cities, which creates an enduring umbilical link between the two. 2021 मसीहा डिसेंबर 19 तारीख रे मुर्मुगांव को प्रथम थर पर परीक्षण करा जायला दिन को दिन शक्तिशाली होची भारतीय नौसेना आईएनएस मुर्मुगांव रो स्थिति समुद्र रे भारतीय नौसेना रो शक्ति आहुरी वृद्धि कराइबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। मेघालय गस्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलंगे आयोजित नॉर्थ ईस्ट काउंसिल रो सुवर्ण जयंती समारोह रे शामिल होइथिले प्रधानमंत्री। ए अवसर रे प्रधानमंत्री को पारंपरिक पोशाक रे देखिबा पई मिलथि। कार्यक्रम को संबोधित करी प्रधानमंत्री कहिछन्ति सरकार पूर्वोत्तर रो विकास पई 8 आधार स्तंभ उपरे कार्य करूछन्ति। दक्षिण पूर्व एशिया पई पूर्वोत्तर हेउछि प्रवेश द्वार। पूरा अंचल रो विकास पई सरकार ध्यान दिउछन्ति। अन्य एक कार्यक्रम रे शामिल होई प्रधानमंत्री मेघालय को 2450 कोटि टंका रो भेटि दिछन्ति। बीजेपी सरकार सबुबेले विकास उपरे ध्यान देउछि। जेउ माने दुर्नीति करूछन्ति अस्थिरता सृष्टि करूछन्ति सेमानंकु रेड कार्ड दिया जाउछि। जेउभरी फुटबल खेल रे खेलाड़ी रेड कार्ड दिया जाए। शिलंग रे भी विकास रो पवन बहुछि। एठारे देशर प्रथम क्रीड़ा विश्वविद्यालय रहिछि। शिलंग रे खूब शीघ्र विश्वस्तरीय क्रीड़ा कार्यक्रम आयोजन करा जिवो बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री। खूब शीघ्र उत्तर पूर्व अंचल रे 6000 मोबाइल टावर निर्माण हेबो। एथिपाई केन्द्र सरकार 5000 कोटी टंका व्यय करिवे। ए अवसर रे प्रधानमंत्री अनेक लोकाभिमुखी प्रकल्प रो शिलान्यास करथिले। कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहित केन्द्र गृह मंत्री अमित शाह एवं उत्तर पूर्व राज्य रो मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल माने मध्य शामिल होइथिले। सेभली उमसावली रे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैंपस उद्घाटन करबा सहित छतु उन्नयन केन्द्र रे छतु मंजी गवेषणा रो उद्घाटन करिसेंति प्रधानमंत्री। मेघालय में आईआईएम का लोकार्पण और टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास भी पढ़ाई और कमाई के अवसरों का विस्तार करेगा। आज नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों में 150 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसमें से 39 मेघालय में है। दूसरी तरफ आयाम जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन के संस्थानों से युवाओं को प्रोफेशनल एजुकेशन का लाभ भी यही मिलने वाला है। मेघालय पर त्रिपुरा रे पहुंची थे प्रधानमंत्री। इधर केंद्र एवं राज्य सरकार को विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्प रो शिलान्यास करिछन्ति मोदी। अगरतला रे 3400 कोटि टंका व्यय रे हिताधिकारी को पाई निर्माण होइथिबा प्रधानमंत्री आवास योजना रो गृह प्रवेश शुभारंभ कराइछन्ति। या सहित 8 नंबर जातीय राजपथ रो खायरपुर आमताली बाईपास आनंदनगर रे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एवं अगरतला रे सरकारी डेंटल कॉलेज रो उद्घाटन करिछन्ति। विभिन्न विकासमूलक योजना रे त्रिपुरा को 4350 कोटि टंका रो भेटी देइछन्ति प्रधानमंत्री। अगरतला रे आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करी प्रधानमंत्री कहिछन्ति एबे समय बदली जाइछि। आज देश रे स्वच्छता पई त्रिपुरा चर्चा रे रहिछि। भूमि रो विकास कार्य आगेई चलिछि। किभलि गरीब लोकंकु घर मिलिछि तारो चर्चा मध्य हेउछि। आगोकु मध्य विकास रो धारा जारी रहिबो बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन अब तो त्रिपुरा के जरिए नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन से व्यापार का नया रास्ता खुलेगा। इसी तरह भारत थाईलैंड म्यांमार हाईवे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नॉर्थ ईस्ट दूसरे देशों के साथ संबंधों का द्वार भी बन रहा है। न्यूज फ्लैश प्रेजेंटेड बाय सफेद डिटर्जेंट पाउडर। मोर चॉइस, मोर सफेद, मोर सफेद। बढ़िबो भारतीय नौसेनार शक्ति थर रहेबे शत्रु समुद्रे निजर उपस्थिति जाहिर करिबो भारतर बाहुबली आईएनएस मुर्मुगांव।
नौसेना सामिल है स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित P-15B स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसकारी युद्ध जहाज भारत महासागर में चीन रो उपस्थिति को चैलेंज करने भारतीय नौसेना शक्ति वृद्धि कर आधुनिक टेक्निक रे तयारी सेंसर और राडार युक्त एही युद्ध जहाज को प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना डकायत मुंबई रे एहाकु नौसेना रे सामिल कराइछंती शक्तिशाली युद्ध जहाज अनेक वैशिष्ट अछि एही गाइडेड मिसाइल विध्वंसकारी को आधुनिक युद्ध पई तयारी करा जायछि एही युद्ध जहाज भारतीय नौसेना रे युद्ध जहाज रे सबुठारु दक्ष एवं आधुनिक अस्त्रशस्त्र सहित सज्जित एहार लंब 163 मीटर और प्रस्थ 17 मीटर INS मर्मो गावर ओजन 7400 टन एथिरे चारोटी शक्तिशाली गैस टर्बाइन रहिछि त्रिपुरा और मेघालय गस्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च मासरे त्रिपुरा मेघालय और नागालैंड सरकार रो कार्यकाल सरुथिबा बेले फेब्रुआरी रे होई पारे निर्वाचन तेबे ता पूर्वरु पोल बाउंड त्रिपुरा और मेघालय को 6800 कोटी टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्प भेटी देछन्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथमे मेघालय राजधानी शिलंग गस्त करिछन्ते प्रधानमंत्री उमा साउलरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैंपस उद्घाटन करबा सह नॉर्थ ईस्ट काउंसिलर सुवर्ण जयंती रे अध्यक्षता करिछन्ती मेघालय रो छतु उन्नयन केन्द्र रे छतु मंजी गवेषणागार रो उद्घाटन करिछन्ती प्रधानमंत्री एही अवसर रे गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित थिले परे त्रिपुरा जाइथिले प्रधानमंत्री सेठारे केन्द्र और राज्य सरकार को विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्प रो शिलान्यास करिछन्ती विद्यालय परिसरर झुलंता अवस्था रे दशम श्रेणी छात्री को मृतदेह उद्धार जाजपुर जिला बालीचंद्रपुर थाना अधीन बड़ बालिकुदा उच्च विद्यालय रे स्प्लैश प्रेजेंटेड बाय सफेद डिटर्जेंट पाउडर मोर चॉइस मोर सफेद मोर सफेद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिषद रे केंद्र सरकार को ऊपर बरसिले पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल चाइना सामग्री बॉयकॉट पई देले आह्वान सीमारे लागि रहिथिबा स्थिति को नै केजरीवाल कहिछंती किछि वर्ष धरि चीन आमको धमक देउछि छोटो छोटो आक्रमण करबा पई चेष्टा करथिबा बेले सीमारे आमर जवान माने एहार मुकाबला करुछंती सेमानको मुहूर्तर जवाब देबा सहित निज जीवन मध्य देउछंती एहापरे भी अनेक समय रे सुनिबा पई मिलुछि चाइना भारत सीमारे अनुप्रवेश करुछि हेले आम सरकार एहा मानु नाहंती मीडिया रे एभळी खबर सामनाकु आसुछि एभरी परिस्थिति रे भारत सरकार चीन रो सामग्री किणिबा उपरे प्रश्न उठाइछंती केजरीवाल 2020-21 वर्ष रे आमे 5.25 लाख कोटी टंका रो चीन सामग्री किणिछु चीन प्रति भारत सरकार को एभली नरम मनोभाव काहि कि बोली प्रश्न करिछंती केजरीवाल चाइना सामग्री बॉयकॉट करबा पई आह्वान देइछंती केजरीवाल बाहर देश रे निवेश करूथिबा आमो देश रो व्यवसायी को आमे रोकी पारुने जहा फल रे एभली स्थिति उपजुछि गत 5-7 वर्ष मध्य रे 12,50,000 लोक देश छाडी गलेनी एमानक मध्यरे रहिछंती बड़ बड़ उद्योगपति सरकार केतेबेले कहा पछरे ईडी लगाउछंती तो कहा पछरे सीबीआई लगाउछंती या फलरे सेमाने देश छाड़ी चली जाउथिबा कहिछंती केजरीवाल 10 वर्षर पार्टी आज राष्ट्रीय दलर रूप नेछि 2027 सुधा आप एक नुआ रूपरे देशवासी को आगरे छिड़ा होइथिबा नै दभक्ति देखाइछंती केजरीवाल सैनिक जो है वो चाइना का डट के मुकाबला कर रहा है अपनी जान तक दे रहा है कई सैनिकों की जान चली गई और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि चाइना को इसका इनाम देते जा रहे हैं हमारी सरकार केंद्र सरकार को पता नहीं क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या हो गया उनको सजा देने के बजाय वो हमें आंख दिखाते हैं उनकी आंख में आंख डाल के उनको जवाब देने की बजाय उनके साथ हम और सामान खरीद रहे हैं उनसे चाइना से और सामान खरीद रहे हैं 2020-21 में यानी कि पिछले साल में हमने $65 बिलियन का चाइना का माल खरीदा $65 बिलियन मतलब मोटे मोटे तौर पे 5.25 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत ने चाइना से खरीदा दिल्ली श्रद्धा हत्याकांड मामलार तदंत जारी रही घटना मनरू लिभिनी झारखंड आसी श्रद्धा हत्याकांड भली आउ एक घटना पत्नी को हत्या करिबा परे बारखंड कर कुकुर को खाइबा पाई देछि स्वामी एभली एक जघन्य हत्याकांड सामना को आसी झारखंड साहेबगंज जिला बोरिया अंचल स्थानीय अंचल दिलदार अंसारी पत्नी रुबिका पहाड़न को हत्या करिबा परे मर शरीर को बारखंड कर काटि इलेक्ट्रिक कटर से शरीर को खंड खंड कर अभियुक्त
यापरे कटा मांस को किछि दूर को नहीं कुकुर को खाइबापाई देथिला। पुलिस अभियुक्त स्वामी दिलदार को गिरफ करी तदंत आरंभ करी। शरीर बार खंड अंश पुलिस जबत करथिबा बेले मुंड एवं शरीर किछि अंश एबे भी पुलिस हाथ में लागी पारनी। मुख्य अभियुक्त सहित आउ किछि युवक को अटक रखी पुलिस। दिलदार हत्या करिबा परे मृतदेह को गाँव ठार दूर एक बंद घर बाहर कड़ा पलिथिन में कटा अंश रखिता। कुकुर यह खाइबा परे स्थानीय लोके पुलिस को खबर देते। पुलिस घटनास्थल में पहुंची कटा अंश को जबत करने सहित अभियुक्त को गिरफ्त करिबारे सफल होती। रुबिका होती दिलदार द्वितीय पत्नी। किछि वर्ष पूर्व उभय प्रेम बिवाह करते। रुबिका तांको स्वामी दिलदार सहित बेलटोला स्थित घरे रहुथिले। किछि दिन पूर्व उभयों मध्य झगड़ा होता आउ कली हत्यार रूप नहीं क्या दिलदार को कठोर दंड देवाई दावी करिछंती रुबिका परिवार लोके। एपटे घटना को नहीं जोर धरी राजनीति। हेमंत सरकार को बीजेपी समालोचना करथिबा बेले घटना को निंदा करिछि कांग्रेस। साहेबगंज जिले में हत्यारे ने उसके शव को कटर से काटकर 12 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने इस मामले में उसके पति दिलदार अंसारी को हिरासत में लिया है और बताया जाता है कि दिलदार अंसारी ने इस भोली भाली आदिवासी युवती को सिर्फ 10 दिन पहले बहला फुसलाकर शादी की थी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार बेटियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। रेप केसेस की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बेटियों पर अत्याचार थम नहीं रहा है। गंज की घटना काफी विभत्स है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हिम्मत कहां से आती है? ऐसे व्यक्ति को तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चीन में पुणि बेकाबू कोरोना। राजधानी बेजिंग सहित अन्य सहर में द्रुतगति में बढ़ी चली कोरोना मृत्यु संख्या। चीन मृत्यु संख्या लुचाऊ शवदाह तीन दिन धरी अपेक्षा करने पड़ी। यह बयान करुच्ची कि चीन में बढ़ी चली कोरोना जनित मृत्यु संख्या। चीन विभिन्न सहर में लागू होता कोविड कटका हटा पर संक्रमित और मृत्यु संख्या बढ़ी अनुमान विभिन्न श्मशान बाहर शवदाह भिड़ लगुच तीन दिन धरी अपेक्षा करने पड़ी। स्थिति एभली होई छी दिन राति शवदाह करा जाऊ छी। चीन रे थंडा बढ़िबा परे स्थिति अनायत हेबारे लागी छी। परिस्थिति को नजर रखी सरकार कोरोना कटकणा मानिबा पई लोकंकु अपील करिछंती। सेभली टेस्टिंग को मध्य जोरदार करा जाय छी। लक्षण थिले लोके घरे आइसोलेशन रे रहिबा पई कहिछंती सरकार। अनेक स्थान रे लोके आगुआ औषध किणी गच्छित रखुथिबारु अन्य माने समस्या रे पडुथिबा जणा पडिछि। संक्रमण बढ़ुथिबारु स्वास्थ्य सेवा उपरे एहार प्रभाव मध्य पडिछि। अनेक डाक्टर एवं नर्स मध्य संक्रमित होइछंती। यारी मध्यरे चिंता बढ़ाई अमेरिकार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन रिपोर्ट। यह रिपोर्ट में कहा चीन में खूब शीघ्र मुंड टेकिबो नुआ प्रजातिर भूताणु। एथिरे दैनिक हजार हजार लोक संक्रमित हेबे। एभरी कि आसंता वर्ष पई 10 लक्ष अधिक लोकंक कोरोना रे मृत्यु हेबानी आकलन करा जाइछि। कोरोना रे एपर्यंत चीन रे 5235 संक्रमितंक मृत्यु होइथिबा सेठाकार सरकार तथ्य देउछंती। हेले एही संख्या ढेर अधिक बोली अनेक थरो सामना को आसुछि। जाकुने विश्व दरबार में पुणि थरे जिनपिंग को मुखा खुली जाइछि। ईरान रे हिजाब को नहीं विवाद थमिबारो ना नेउनी। ईरान रो विभिन्न स्थान रे हिजाब को विरोध करी विक्षोभ प्रदर्शन जारी रहिछि। सेलिब्रिटी एवं अनेक जनाशुना चेहरा मध्य एहाकु विरोध करुछन्। जने प्रसिद्ध कलाकार को एबे हिजाब को विरोध करिबा महंगा पड़िछि। अभिनेत्री तारानेह अली दुस्ती को ईरानी सुरक्षा बल गिरफ करिछन्ति। प्रतिवाद को नहीं मिथ्या प्रचार करने अभियोग तारानेह को गिरफ्त कर मिथ्या तथ्य देथिबारु प्रथमे 38 वर्षिया तारानेह को अटक रखा जाइथिला। परे से निजर दाबी सपक्ष में सठिक दस्तावेज दे पारि नथिले। या फल रे तांकु गिरफ्त कर तारानेह तांको इंस्टाग्राम रे शेयर करी लिखिथिले आपणको नीरवता अत्याचार को समर्थन करिबो। तारानेह होउछन्ति ईरान रो जणे आगधाड़ीर प्रसिद्ध अभिनेत्री। ओस्कार विजयी चलचित्र दि सेल्समैन रो अभिनेत्री होउछन्ति तारानेह अलदुस्ती। चट्टग्राम टेस्ट भारत बृहत विजय 188 रन बृहत व्यवधान में जीति भारत 513 रन पिछा कर घर बांग्लादेश द्वितीय इनिंग्स में 324 रन कर अनआउट हो जाए। यह सहित दुई टिकिया सीरीज में भारत 1-0 आगुआ रही। द्वितीय इनिंग्स में बांग्लादेश पक्ष जाकिर 100 रन और सकिब अल हसन 84 रन करते।
भारत पक्ष अक्षर पटेल सर्वाधिक चारि और कुलदीप यादव तीनटी विकेट नहीं भारत प्रथम इनिंग्स 404 रन करता बेले द्वितीय इनिंग्स में दुई विकेट हर 258 रन करदेश प्रथम इनिंग्स 150 रन करता।